निमित्त 6 दिसंबर मैंने कोशिश की है उसका अनुवाद करने की, गलतियां मेरी है, जो अच्छा है ऑब्वियसली ढसाल जी का है। मैं आपके सामने पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ढसाल साहब मतलब हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं, और अगर कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए माजरत। निमित्त 6 दिसंबर। अब ये शहर मेरा नहीं रहा, कल ही तो तुम बताकर गए थे कि ये देश तुम्हारा है। क्या सच में ये देश हमारा है? अपने ही घर की दीवारें हमलावर बन मेरी ही हत्या करना चाहती हैं। दुश्मन इतिहास के गड़े मुर्दे खोदकर शुद्धि की राजनीति खेल रहा है। मैं इन्हें कैसे बताऊं कि भूतकाल छिपकली की पूंछ की तरह होता है, छटपटाने वाला। ये कौन है मेरे देश में? कल के घुसपैठिए आज मेरे ही देश पर कब्जा जमा के बैठे हैं। ये उनके ग्रंथ और वेद, देव और धर्म। कल उन्होंने गांधी को मारा, आज वे देश को मारना चाहते हैं। मैं उन्हें कितनी सुनाऊं कहानियां पराए आक्रमण की। मेरे मूल पूर्वज काले सांवले अनार्य द्रविड़, उसके बाद शूक हूण कुशाण तुर्की ईरानी और अफगानी, और उसके बाद के गोरे सिपाही और फिरंगी वंशवर्ण का संकट। यहाँ की मिट्टी ने कभी छुआछूत नहीं की। आज ईरान में इनके पूर्वजों की लाश पर खजेले कुत्ते मूतते तक नहीं है, और फिर भी उनकी नीली आंखों में बदले की आग जलती है। दहशत की धार पर उन्होंने काटे हैं यहाँ के मासूमों के गले, काटे हैं इंसान बकरों की तरह। लिंग की ओट में छुपकर ढूंढते हैं अपना धर्म। वाल्मीकि राम के पदस्पर्श से पुनीत अयोध्या की मिट्टी उत्तरकांड में इन्होंने अंधी कर डाली है। ये मिट्टी ही उतरी है इनकी आंखों में हराम होकर। तुमने कहा था कल एक हिटलर की सत्ता कोई भी पलट सकता है, पर बहुसंख्यक कहलाने वाला ही जब हो जाता है हिटलर, तब मनुष्य जाति का ही नाश होता है। क्या सच में हम उस मुकाम तक पहुंचे हैं जहां बस नाश होता है? आज का दिन तुम्हारे स्मरण का, तुम्हें पसंद हो ना हो, मुझे भी मेरे हाथ हिंसा के लिए उठाने दो। शायद उसी से इन घुसपैठियों का दिमाग ठिकाने पर आएगा। डर से तो मौत अच्छी, कहां से सरदर्द मोल ले लिया। मारना, फिर से जिंदा करना, फिर मारना। मुझे भी शहीद होना है अपने लोगों के लिए। धन्यवाद।